नमस्कार, फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस हस्ती से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं उनके बारे में कुछ भी कहना जैसे सूरज को दिया दिखाना है। तो स्वागत करते हैं जस्टिस बीके गुप्ता जी का, और उनके साथ हैं उनकी धर्म पत्नी उषा गुप्ता, और यही नहीं आज हमारे साथ एक नन्ही परी है मान्या गुप्ता। मैम और सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर मैं आपके जीवन को देखती हूँ, एक लंबा लंबा आपने जीवन लॉ प्रोफेशन को दिया, 50 साल से अधिक का समय, पर अगर मैं आपसे पूछूं सर, आप अपने सफ़र को कैसे देखते हैं? एक एक वर्ड है, सेटिस्फैक्ट्री। पीछे जब 50 साल गुजरे, जो उनको जब देखते हैं तो मन में एक फीलिंग होती है कि अच्छा रहा, सेटिस्फाइंग रहा, कोई कमी महसूस नहीं हुई। और जैसे मैं लॉयर था, जब लिटिगेशन लॉयर था हमेशा रहा, तो मन में ये है कि अगले जन्म में भी लिटिगेशन लॉयर ही बनना चाहूँगा। इसलिए कोई कमी नहीं रही, कोई ऐसी बात नहीं रही, अच्छा सेटिस्फैक्शन रहा बड़ा। जी सर, वैसे तो हम सभी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं कि आपके फादर भी सक्सेसफुल रहे, आप भी रहे, लेकिन हमारे दर्शक आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि कैसा क्या रहा। हम ओरिजिनली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। जी जी। जो हमारी जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करती थी, जो अब यूनियन टेरिटरी हो गई है। जी जी। 1947 अक्टूबर नवंबर में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था उस पर पाकिस्तानी रेडर्स ने हमला किया था। जी जी। तो हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के रिफ्यूजीज बन गए थे और जम्मू में आ गए थे। जी जी। तो अभी वो हमारा डिस्ट्रिक्ट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। तो मेरी बर्थ वहीं हुई थी। जी जी। सितंबर 1947 में। मेरे फादर मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे हैं, वो क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके फादर वो इसी प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। तो मेरे फादर ने, जैसे खानदानी होते हैं, तो उसे इनहेरिट किया, तो वो थे। और मेरी मदर तो हाउसवाइफ रही है, मेरी तीन सिस्टर्स हैं और एक मैं हूँ। सर, आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा रही है वो जम्मू में ही रही है या फिर कहीं और भी? आप जैसे मैंने कहा कि हम लोग रिफ्यूजी बन के जम्मू आ गए थे 1947 में। उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है चंदौसी। जी जी जी। पहले ये था मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आजकल ये संबल डिस्ट्रिक्ट में है। जी। तो हम लोग वहाँ चले गए थे 47 से 58 वहाँ रहे। जी। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वहीं हुई। जी। उसके बाद हम वापस जम्मू चले गए। जी जी। अपनी स्टेट में और बाकी पढ़ाई वहाँ हुई, एक्सेप्ट 1967 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया जम्मू से, तब जेएनके स्टेट में कोई लॉ स्कूल नहीं था। जी जी। एक भी नहीं था। जी। इसलिए मुझे दिल्ली आना पड़ा। जी जी। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी LLB 1970 में पास आउट किया। तो सर, आप बचपन से ये इसी प्रोफेशन में जाना चाहते थे? ना, फ्रैंक बात यह है कि हमारे टाइम में बच्चों को सेल्फ अवेकनिंग नहीं होती थी और प्रॉपर वोकेशनल गाइडेंस भी नहीं मिलती थी। तो 50s और 60s में प्रैक्टिकली हर पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे। जी जी। तो मेरे पेरेंट्स भी मुझको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जब मुझे मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली, एडमिशन नहीं मिली, तो जब मैं ग्रेजुएशन में एंटर किया तो फिर तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लॉयर बनूंगा। आप लॉ ही करेंगे? जी। उन दिनों प्री मेडिटेटेड इंटेंशंस के साथ बड़े कम लोग लॉ प्रोफेशन में आते थे। जी जी। तो मैं बड़ा रेयर उसमें था कि मैंने पूरा प्री मेडिटेटेड इंटेंशन के साथ ये प्रोफेशन में ज्वाइन किया था। तो सर, चैलेंजेस भी तो बहुत रहे होंगे उस वक्त? बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर था। जी जी जी। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो है वो बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं। किस किस तरीके की डिफिकल्टीज है? सबसे पहले तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को लर्निंग के लिए सीनियर के साथ प्लेसमेंट की डिफिकल्टी होती है।
क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हमेशा से लेकर पिछले 50-60-70-80 साल से लेकर जो अच्छे सीनियर्स होते हैं वो ऑलरेडी क्राउडेड होते हैं जी जी। उनके पास हमेशा 2-3-4 जूनियर होते हैं, उनके पास जगह नहीं होती। इसलिए एक अच्छे जूनियर को लर्निंग के लिए भी प्लेसमेंट की डिफिकल्टी होती है जी जी। चलो प्लेसमेंट हो गई, मैं लकी रहा कि जो मेरी स्टेट में सबसे अच्छे सीनियर थे उनके साथ मैं एसोसिएटेड रहा, उनका जूनियर बना। उन दिनों कंसेप्ट था कि अनपेड जूनियर्स जी, जूनियर्स को कुछ पैसे नहीं मिलते थे, स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता। तो मैंने पहले 2 साल में 65 रुपये कमाए थे, पूरे 2 साल में। लेकिन मेहनत बड़ी की जी। सीनियर के साथ होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको लर्निंग का मौका मिलता है, कोर्ट्स में एक्सपोजर मिलता है, ऑफिस में ड्राफ्टिंग का काम होता है, रिसर्च का काम होता है जी जी। और आप क्लाइंट्स के साथ भी एक्सपोज होते हैं जी जी। एक तो आपने कहा ना ये डिफिकल्टी होती है प्लेसमेंट की, दूसरी डिफिकल्टी होती है फर्स्ट जनरेशन लॉयर को अपॉर्चुनिटीज़ की। उसको अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं जी जी। अपने कैलिबर को प्रूव करने के उसको पास बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ना इस प्रोफेशन में क्लाइंट्स एस्टेब्लिश्ड लॉयर के पास जाते हैं, अननोन लॉयर के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि क्लाइंट्स की लाइफ एंड लिबर्टी स्टेक पे होती है, क्लाइंट्स की प्रॉपर्टी स्टेक पे होती है, क्लाइंट्स की अदर चीज़ें स्टेक पे होती हैं। तो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को ये डिफिकल्टीज होती है। उस इसके मुकाबले में जो लॉयर्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन होते हैं जी। उनके तो पक्के पकाए सब कुछ होता है, उनके फादर की गद्दी होती है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, तो उनको बड़ा फ़ायदा होता है और एक संबंधों का भी विस्तार हो जाता है उसमें जी जी। बिल्कुल मैम, हम संबंधों की बात कर रहे हैं, आप दोनों का मैं एकदम मतलब अगर देखूं तो बेहद खूबसूरत साथ है, पर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि सर से आपकी मुलाकात कैसी हुई। मुलाकात भी हमारी एक हिस्ट्री है, मतलब थोड़ा कि मुलाकात हमारी इनके फादर जो थे ना, उन्होंने वही मुझे कहीं शादी में देखा था। अच्छा। किसी शादी में वहाँ उन्होंने मुझे देखा और घर में बोला इनको, ये इन चीज़ों को बिलीव तो करते नहीं लेकिन उनके कहने से ये आ गए थे। अच्छा। तो इनको ठीक लगा, बस जस्ट हमारी ऐसे ही मुलाकात हुई। तो कोई ऐसी बात जो जब अगर जैसे आप फर्स्ट पहली बार मिले होंगे तो सर की ऐसी कोई बात जो आपको बहुत पसंद आई हो? बात कोई की नहीं हम लोगों ने लेकिन अच्छा। इनकी पर्सनैलिटी इतनी सिंपल थी, इतनी मतलब अट्रैक्टिव थी, जो मेरे मन में सब कुछ सोचा हुआ था ना वो उस क्वाइटनेस में मुझे सब कुछ मिल गया था। मतलब एक साकार रूप देख रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने जैसा बताया कि आप बार और बेंच दोनों से जुड़े रहे एंड और आपने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया है, बार के साथ भी आप अध्यक्ष रहे। एक जो बहुत बड़ी बात होती है कि बार और बेंच के साथ जो रिश्तों की बात कही जाए कभी कभी तलखी भी होती है, तो सर इसमें कैसे सुधार लाया जाए? देखिए ऐसा है, तलखी होना स्वाभाविक है। दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों का रोल वेल डिफाइंड है जी। और आप देखिए ना इंटरेस्टिंग बात, हर जज जी जी। पहले वकील होता ही होता है, वो वकील से जज बनता है, इसलिए जब वो जज बनता है तो उसको अपना रोल एज ए जज निभाना पड़ता है। जो लॉयर्स उनके पास अपीयर होते हैं उनको अपना रोल एज लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग ए पार्टी, रिप्रेजेंटिंग ए पेटिशनर और रिप्रेजेंटिंग ए रिस्पोंडेंट, वो निभाना पड़ता है जी। अब दोनों इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स जब अपना अपना रोल निभाते हैं वहाँ कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और जो डिसएग्रीमेंट्स की प्रोसेस है उसमें कभी कभी ईगो क्राइसिस हो जाते हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। लाइव सिचुएशन है ना, सब लाइव हैं, मरे हुए नहीं हैं लोग जी जी, बिल्कुल। इसलिए जब लाइव होते हैं तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन अगर आप 50-60-70-80 साल की भी हिस्ट्री देखें बार एंड बेंच की,
ऐसे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए जो या रिजॉल्व नहीं हो सके या जिन्होंने कोई परमानेंट स्कार छोड़ दिया। जी जी, मैं आपको बताऊं, हमारी कोर्ट्स में कई बार होता है कि बार एसोसिएशंस हंगामे करते हैं। जी जी, कई बार बड़ी बड़ी अगली सिचुएशंस हुई। मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन लॉयर्स ने पूरी कोर्ट प्रीमिसेस को रैनसैक किया। कोर्ट्स लगी हुई थी, डाइस पे जाके चढ़ गए। मुझे अभी तक याद है एक जस्टिस सुनंदा भंडारे होती थी, वो कोर्ट कर रही थी, लेडी जज थी, डाइस पे चढ़ के प्रैक्टिकली उनको असॉल्ट किया गया। और दिल्ली हाई कोर्ट फुल कोर्ट मींस जो 25-30-35 जज थे सब बैठे कोर्ट में और उन्होंने कंटेम नोटिस इशू किए। कुछ लॉयर्स को कंटेम में कन्वी भी किया गया, लेकिन 15-20 दिन के बाद सब ठीक हो गया। जी जी, ऐसा कोई स्कार नहीं छोड़ के गई वो सिचुएशन कि जिसमें तलखी जो परमानेंट रही हो। एट द एंड ऑफ द डे लॉयर्स भी जानते हैं, जज भी जानते हैं कि एक सिस्टम का इंटेग्रल पार्ट है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होती। इसमें सुधार, मेरे मुताबिक कोई सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन तो होते रहते हैं और सामाजिक परिवर्तन के साथ वैल्यूज, सोशल वैल्यूज भी चेंज होती है। जो सोशल वैल्यूज आज से 70 साल पहले थी आज नहीं है वो। मुझे याद है 70 साल पहले एक मजिस्ट्रेट किसी छोटे शहर में अकेला मजिस्ट्रेट होता था, सिविल जज मजिस्ट्रेट, अपने घर से जब कोर्ट जाता था पैदल, बाजार से गुजरता था, सारे के सारे दुकानदार बाहर आके उसको झुक के सलाम करते थे अपनी दुकान के बाहर। एक अलाहाबाद हाई कोर्ट की सेंटनरी सेलिब्रेशंस में एक पुस्तक छापी गई, उसमें लिखा कि एक रेलवे स्टेशन पर लोग इकट्ठे इसलिए हो गए थे, हाई कोर्ट का वकील वहाँ उस शहर में पहली बार आया था, हाई कोर्ट का वकील को देखने आए थे। अब वो वैल्यूज तो नहीं रही ना। नहीं नहीं, बिल्कुल। आज आप दिल्ली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कहीं मिल जाओगे तो आपके लिए वो ऐसे ही ऑर्डिनरी होंगे जैसे बाकी लोग होते हैं। तो ये वैल्यूज का सिस्टम है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, वैल्यूज का है। यहाँ वैल्यूज की बात हो रही है तो मैं मैम से जानना चाहूँगी, मैम सर का बहुत बिजी शेड्यूल और आपकी जिम्मेदारियाँ, बच्चों को संभालना, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इसके साथ और सर का कैसा साथ रहा आपके साथ? मुझे अपनी लाइफ, मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं फेस किए जी। इनकी इतनी सपोर्ट थी, फैमिली की इतनी सपोर्ट थी, मुझे किसी का, मैं आई एम वेरी मच कंफर्टेबल जी जी, बहुत ही कंफर्टेबल थी मैंने और इनके साथ मैंने लाइफ में कोई भी ऐसी कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं देखा जिसको मैं आपको बता दूं कि चैलेंज। मैंने फैमिली में इंजॉय किया, अपने मदर इन लॉ इन लॉज के साथ, अपने सिस्टर इन लॉज के साथ, जब मेरी शादी हुई थी तो एक ही सिस्टर की शादी हुई थी इनकी ना जी, तो दोनों सिस्टर को मैं एज ए सिस्टर की तरह और वो भी मुझे एज ए रिस्पेक्टेड भाभी की तरह, एज ए सेकेंड मदर जो होती है ना घर में ऐसे जी, और आज तक भी वही चल रहा है। और मेरे फादर इन लॉ जो थे उन्होंने मुझे भी एज ए डॉटर इन लॉ नहीं समझा, उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया कि जो लड़की जो मायका भूल जाती है ना ऐसा मेरे को फील हुआ। और उन्होंने ये मुझे ओनली वन सेंटेंस उन्होंने मुझे बोला था और उसी को मैं आज तक कर रही हूँ। फर्स्ट जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक बार मेरे पेरेंट्स के घर छोड़ने गए, रास्ते में मुझे उन्होंने एक ही से बोला, उन्होंने सोचा मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी और ये फैमिली मेरी इन लॉज की जो थी वो प्रोफेशनल फैमिली थी, तो उन्होंने सोचा कि रिच फैमिली की आई है लड़की और कुछ इसके मन में होगा, तो उन्होंने कहा बेटा मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे हैं नॉट बैंक बैलेंस। वो दिन और आज का दिन
ये वो बात आज भी मेरे मन में कोई भी कुछ आता है तो वो उनका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। आई रिस्पेक्ट माई फैमिली, इन लॉज फैमिली, सिस्टर इन लॉज एंड आगे वाली जो फैमिली है, मैं बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भी बहुत प्यार मिला, कोई चैलेंज नहीं हुआ मुझे। ये मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जिसको बोलते हैं, जो मिलता नहीं है सबको। वाकई में एक खूबसूरत परिवार भी आपकी किस्मत होती है कि मिलता है। बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। सर, मैं यहाँ आपके पास आना चाहूँगी। ये सर, जब आप झारखंड हाई कोर्ट में पहली बार, पहले आप वहाँ के न्यायाधीश बने, नया राज्य था, कैसा आपका वहाँ अनुभव रहा? मैं पहले वहाँ न्यायाधीश नहीं बना, मैं वहाँ स्टेट चीफ जस्टिस बन के गया था। ओके, जी जी। मैं उन दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश था। जी जी। तो वहाँ से मैं, ये मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी एज चीफ जस्टिस। जी जी। बहुत चैलेंजिंग था जी, नई स्टेट थी और नई स्टेट में नया सेटअप करना था और नए सेटअप में बहुत कुछ करना था, क्योंकि आप सोचिए झारखंड बिहार का पार्ट था। जी जी। और ये कॉमन नॉलेज है कि हमारे कंट्री में बिहार पिछड़ी हुई स्टेट्स में से होता जी था। जी जी। एक्चुअली ये कॉमन नॉलेज है कि बिहार खासतौर पे पिछली सदी में, 20th सेंचुरी में, इंडिया की सबसे पिछड़ी हुई स्टेट्स में होता था जी। और उनमें भी झारखंड का जो पार्ट था जिसको कहते थे साउथ बिहार, जी जी, वो ज्यादा पिछड़ा हुआ था। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर ज्यादा पिछड़ा हुआ नहीं होता, ज्यादा अगर निगलेक्टेड नहीं होता, तो झारखंड के लोग सेपरेट स्टेट की मांग नहीं करते। जी, बिल्कुल। तो जब मैं वहां देखा तो बहुत पिछड़ा हुआ था जी। उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर और कलकत्ता में जब पहले रह चुका था तो मैंने देखा वो स्टेट बड़ी खुशहाल थी। यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट करने का मुझे मौका मिला। जी जी। बिल्डिंग्स, कोर्ट्स की बिल्डिंग्स, जजेस के रेजिडेंसीज, लॉयर्स के लिए बार एसोसिएशन के कमरे वगैरह बनाने, उनके प्रीमिसेस बनाने, नई अपॉइंटमेंट्स करने, हजारों अपॉइंटमेंट्स की वहाँ पर मैंने, क्लास फोर से लेकर क्लरिकल स्टाफ, लोअर कोर्ट्स के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सबको। तो ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग काम था। जी जी। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली कि मैं इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सका अपने 2.5 साल के टेन्योर में। सर, एक जो मेरा ये सवाल है, कॉलेजियम सिस्टम है, जैसे एक आम आदमी है उसे नहीं समझ में आता कि कैसे एक जज को पदोन्नति मिलती है, कैसे ट्रांसफ़र मिलता है, पारदर्शिता है, लेकिन उसको कैसे समझा जाए, उसके लिए क्या आसान तरीका हो कि लोग सवाल ना उठाएं उस पर? पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी, हमारी जुडिशरी के जो जुडिशियल फंक्शंस हैं, हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है उसके जुडिशियल फंक्शन जो हैं उनमें तो ट्रांसपेरेंसी है पूरी। जी जी। लेकिन हमारी जुडिशरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनमें तो अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जी। कॉलेजियम की मीटिंग्स जब होती हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की मीटिंग्स हों या हाई कोर्ट की कॉलेजियम्स की मीटिंग हों, अभी तक तो प्रैक्टिकली बंद कमरे में होती हैं। जी। डिसीजन टेकिंग प्रोसेस कैसे होता है, कॉलेजियम के मेंबर्स के बीच में क्या क्या डिस्कशंस होती हैं, डिसेंट होती हैं या एग्रीमेंट होते हैं, ये आम आदमी को बिल्कुल पता नहीं लगता। जी जी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने क्या किया हुआ है पिछले कुछ वर्षों में कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लोड कर देते हैं कि कल कॉलेजियम की मीटिंग हुई थी और उसमें ये रिकमेंडेशंस की हैं। जी जी। अब वो रिकमेंडेशंस करने का प्रोसेस क्या था, अगर हाई कोर्टों से 15 नाम आए हैं तो 8 अगर अप्रूव किए गए हैं, 7 अप्रूव नहीं किए गए हैं, उनके क्या कारण थे, किन कारण से उनको अप्रूव नहीं किया गया जी।
क्योंकि आफ्टर ऑल जो नाम हाई कोर्ट से आते हैं वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वहाँ के दो सीनियर मोस्ट जज जो कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो भी सोच समझ के नाम भेजते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उनको डिसअप्रूव करता है उनको रीजनिंग देनी चाहिए जी जी कि इन कैंडिडेट्स के नाम हम अप्रूव क्यों नहीं कर रहे। इसलिए मैं नहीं मानता कि हमारी जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में ट्रांसपेरेंसी है। जी जी हर डेमोक्रेटिक सेटअप में आज देखिए ना आपका आरटीआई एक्ट जो है जी जी आरटीआई एक्ट का मतलब ही ट्रांसपेरेंसी है। जी जी बिल्कुल। आरटीआई एक्ट आने से पहले कभी कोई सोच सकता था कि ऑफिशियल फाइल्स की नोटिंग्स भी पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी? जी जी बिल्कुल। उसको बड़ा फर्क पड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आफ्टर जजेस के रिटायरमेंट के बाद जो उनको पद मिलता है सरकारी पद जो उनकी नियुक्ति होती है इसमें कई बार कूलिंग ऑफ पीरियड की बात होती है कि एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए, इस पे सर आपका क्या कहना है? आपका जो मूल क्वेश्चन है कि पोस्ट रिटायरमेंट जी कूलिंग ऑफ पीरियड ये डिबेट चल रही है जी। ये डिबेट आज से 15-20 साल पहले नहीं थी। हमारे पूर्व मंत्री लेट अरुण जेटली उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर में कई बार कहा है कि जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट ना देना चाहिए ना उनको लेना चाहिए जी। ये डिबेट चल रही पहले नहीं थी क्योंकि पहले ऐसे इंस्टांसिस नहीं थे जी जी। आज कूलिंग ऑफ पीरियड की बात क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है कि इंस्टांसिस हो रहे हैं जहां रिवार्डिंग का क्लियर कट एक नमूना दिखाई दे रहा है जी जी जी। और आवाज उठ रही है देश में कि जज जो है रिटायरमेंट के कुछ समय पहले अपने आप को ऐसे कंडक्ट करते हैं कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है, कुछ ट्रिब्यूनल्स या ऐसे फोरम वहाँ रिटायर्ड जज ही हो सकते हैं जी जी, उनका अनुभव जो है वो उसके। लेकिन उसमें एक दूसरी बात भी चल रही है, वही रिटायर्ड जी जितने भी ऐसे ट्रिब्यूनल हैं या फोरम हैं उनमें ऑन रोटेशनल बेसिस सर्विंग जजेस को लगाइए। हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस जो हैं वो इन सब ट्राइब्यूनल्स में फोरम है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गया, टैक्सेशन ट्राइब्यूनल्स हैं, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल हैं, जितने ट्राइब्यूनल्स हैं उनमें डिफरेंट हाई कोर्ट से सर्विंग जजेस को तीन तीन साल के लिए डेपुटेशन में लगाइएगा। क्योंकि ये तो इशू बन रहा है कि रिटायरमेंट से कुछ साल पहले कुछ महीने पहले जजेस अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कंफर्ट लेवल अपना थोड़ा सा ढीला कर देते हैं जी जी। ये डिबेट तो चल रही है जी बिल्कुल। सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आज़ाद मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो हम OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कोई कुछ भी कह देता है तो इसका मापदंड कैसे तय हो सर? देखिए मैं तो इसमें एक्सट्रीम हूँ जी, मेरे एक्सट्रीम व्यूज हैं जी जी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक फंडामेंटल राइट है जी, उसमें इनबिल्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जी जी। और एक नहीं दो नहीं 50 जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को डिफाइन किया हुआ है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ गुड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज वगैरह वगैरह। इनके अलावा मेरा तो एक्सट्रीम व्यू है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए जी जी, लोग डिसाइड करेंगे जी। OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं अनसेंसर्ड हैं जी जी, लोग डिसाइड करेंगे। अब जो इसका एक रूप देखिए ना, जो प्रोड्यूसर्स हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्शंस बनाकर वहाँ दिखाते हैं वो पब्लिक को
व्यू में रख के बुलाते हैं उनको, जी जी, ऑडियंस उनका होता है एक, एक बात। दूसरी बात, आपका कंट्री बाकी दुनिया से तो अलग नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल जी। तो जो दुनिया के सबसे प्रॉस्परस नेशंस हैं वहाँ ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टोटल है। वो कहते हैं लीव इट टू द पब्लिक, लेट देम डिसाइड। इसलिए मेरा विचार तो है कि क्योंकि ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की दिशा में सरकारें फिर ज्यादती करनी शुरू कर देती। जी 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 बिल्कुल सर। वो सिडिशन का ला, हाँ सर, ये इंडिया में इतना ग्रॉसली मिसयूज नहीं हुआ जी अगेंस्ट द सिटीजंस जो पिछले कुछ सालों में हुआ है। बिल्कुल सर, ये एक अहम बात है ये इसमें। बिल्कुल सही सर। मैम कहते हैं माँ वात्सल्य का रूप होती है और पिता थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो अगर मैं सर की बात करूँ तो सर बींग अ फादर कितने स्ट्रिक्ट आपको लगते हैं? देखने में ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकली में उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जी। बहुत ही सॉफ्ट, जिससे भी होता है समझाते पूरा है जी जी, मतलब ऑब्जर्वेशन पूरी है वो, तो उसका तो मैं बता नहीं सकती कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व ये सबको करते हैं जी जी। लेकिन जब बात करते हैं कुछ कहते हैं तो टाइम देख के बोलते हैं जी जी, और ऐसा बोलते हैं कि किसी को बुरा भी नहीं लगता जी, और बात का कन्वे भी कर देते हैं जी जी, और सब बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और मानते भी हैं। सर का वाकई में जो व्यक्तित्व है वो मैं अगर देखूं तो नई जनरेशन जो है वो भी सर आपको एक आइकन की तरह ही देखती है और मानती है, और परिवार में मैम भी आप भी एक मतलब पूरे परिवार के लिए आइकन है एक्चुअली। ये एक बहुत बड़ी बात होती है परिवार के लिए कि कोई पिता है और फादर भी अच्छे हैं, पति भी अच्छे हैं, एक बेटे के तौर पे भी आप बहुत अच्छे रहे। सर ये एक एक बड़ा वो कहते थे ये लाइफ का अचीवमेंट होता है। सर और आप मैम दोनों लोग हैं, आप दोनों लोग इतने लंबे समय से साथ हैं, सर की कौन सी बात है जो आपको पसंद है? कुछ बातें ऐसे करते ना मिस्टीरियस, मतलब उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अंदर से ना वो जॉली टाइप की होती है कि जैसे कोई भी बात सरकास्टिक जैसे बोलते हैं ना कोई, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता जी जी। लेकिन ऐसा बोलते हैं कभी कभी ऐसे लगता है कि ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, पर लेकिन जब बैक साइड से जब देखो चेहरा, जब ऐसे मुड़के देखते हैं तो बहुत, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई सेकंड पर्सन बैठा होगा ना उसको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी जी। सर का सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? नॉन वेज। और मैम का? वेजिटेरियन। ओके, एंड कलर? ब्लैक। आप मैम के बारे में बताइए। मल्टी कलर लाइन करो। मल्टी कलर, ये बहुत अच्छी बात कही। अगर आपको एक किसी फेवरेट प्लेस पे जाने को कहा जाए तो आप दोनों कहाँ जाना चाहेंगे? सी साइड जी। सी साइड हमारी पहली फेवरेट प्लेस होती है एज ए टूरिस्ट जी जी। माउंटेन्स आल्सो, हाँ हाँ, लेकिन हम विदेश बहुत घूमते हैं जी जी, तो पेंडेमिक से पहले साल में 3-4 बार तो विदेश चले जाया करते थे जी जी, लेकिन पेंडेमिक ने सब खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक लास्ट यंग जनरेशन के लिए आपका कोई मैसेज? मैं तो मैसेज खाली अपने प्रोफेशन के बच्चों को दे सकता हूँ जी जी, कि लगन से काम करिए, मेहनत से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। सर और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए, इतना कीमती वक्त हमें दिया। दोस्तों फिलहाल फेस टू फेस में बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।